फ्रेंड्स, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक कर रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करें। फ्रेंड्स, जैसे कि आईबीपीएस आरआरबी ने आज नोटिफिकेशन निकाला है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह का एग्ज़ाम होगा, किस डेट में एग्ज़ाम होगा, किस डेट से अप्लाई होगा और एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, अलॉटमेंट कब होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कुल कितनी वैकेंसीज़ हैं और किस राज्य में कितनी वैकेंसीज स्केल वन, स्केल टू, स्केल थ्री और मल्टीपर्पज़ ऑफिसर्स के लिए हैं। तो आगे देखेंगे हम जो 13,000 लगभग पोस्ट स्टेट वाइज वैकेंसीज ग्रामीण बैंक में आई हैं, उनकी क्या स्थिति है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं राज्यवार जो वैकेंसीज हैं या स्टेट वाइज जो वैकेंसीज हैं आईबीपीएस आरआरबी के द्वारा, उसमें क्या क्या कैसे कैसे रखी गई हैं। उसमें मल्टीपर्पज़ ऑफिसर, ऑफिसर स्केल वन, ऑफिसर स्केल टू, ऑफिसर स्केल थ्री। जहाँ तक बात करें मल्टीपर्पज़ ऑफिसर्स की, जो वैकेंसीज हैं वो राज्यवार निकलेंगी और राज्यवार ही उनके अलॉटमेंट होंगे। जिस राज्य से आप आते हैं उसी राज्य में, या जिस राज्य से आप फॉर्म भरेंगे उसी राज्य में आपकी वो सीट अवेलेबल होगी। तो आप वीडियो को पॉज करें और पूरी वैकेंसीज़ को देख सकते हैं कि अपने स्टेट में सबसे पहले मल्टीपर्पज़ ऑफिसर्स की वैकेंसीज चल रही हैं। कुल मिलाकर 56 ग्रामीण बैंकें हैं, हर राज्य में 2 से 3 बैंकें लगभग हैं सबसे हर हाईएस्ट में, जबकि सबसे न्यूनतम 1 ग्रामीण बैंक है। तो आप वीडियो को पॉज करते जाएं और देखते जाएं कि कितनी वैकेंसीज आपके राज्य में मल्टीपर्पज़ ऑफिसर के रूप में हैं। ये वैकेंसीज जो हैं वो मल्टीपर्पज़ ऑफिसर के लिए हैं, हर राज्य की वैकेंसीज हैं। एनआर का मतलब वैकेंसीज नॉन रिपोर्टेड, यानी कि एनआर का अर्थ है कि वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई हैं। हो सकता है आने वाले समय में इन बैंकों में वैकेंसीज भी आए। अब देखते हैं ऑफिसर स्केल वन की स्टेट वाइज वैकेंसीज, जिन स्टेट्स में आपका बैंक लगता है उस हिसाब से वैकेंसीज आप अपना फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं प्रीफ्रेंस के रूप में। वीडियो को पॉज करेंगे, पूरी वैकेंसीज़ को आप ढंग से देख सकेंगे। हमने इससे पहले आपको नोटिफिकेशन में डेट बताया था, सिलेबस बताया था और टाइमिंग बताई थी, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, परीक्षा कब होगी, रिक्रूटमेंट कब होगा, उससे पहले वीडियो में देख सकते हैं। इस समय आप देख रहे हैं राज्यवार वैकेंसीज़ के बारे में। आप वीडियो को पॉज करेंगे और टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। इस समय देखते हैं ऑफिसर स्केल वन एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज के बारे में। बैंक वाइज आपके सामने वैकेंसीज हैं, जिस सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिन राज्यों में राज्य आप चाहते हैं उनमें वैकेंसीज के हिसाब से आप अपना प्रीफ्रेंस सबमिट करें, यानी कि जिन राज्य में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं जिन राज्य से, उन राज्यों में जो बैंक हैं उनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किस में हैं, आप उसमें प्रीफ्रेंस के अकॉर्डिंग अपना फिलअप करें। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए है। अब बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज हैं, सभी बैंकें हैं जो 56 बैंकें हैं उनके अकॉर्डिंग वैकेंसीज दिखाई गई हैं। एनआर का अर्थ है नॉट रिपोर्टेड, इनमें हो सकता है अभी वैकेंसीज की लिस्ट आईबीपीएस के पास ना पहुंची हो, लेकिन आने वाले समय में वैकेंसीज आ सकती हैं। जिनमें शून्य है उनमें कोई वैकेंसीज नहीं है। अब देखते हैं ट्रेजरी मैनेजर की वैकेंसीज। अब वीडियो को पॉज करेंगे तो आप ढंग से वैकेंसीज का अध्ययन कर पाएंगे। वैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए फॉर्म भरने से पहले ibps.in पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है लेकिन ये वीडियो के रूप में है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रूप में साइट पर जाकर अपने अकॉर्डिंग प्रीफ्रेंस भर सकते हैं। तो इस समय ये वैकेंसीज हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको जानकारी दे रहे हैं। अब देखते हैं लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज। ये सभी वैकेंसीज स्केल टू के लिए हैं जिसमें कि सिंगल एग्ज़ाम होगा और वो एग्ज़ाम होगा 5 नवंबर को। तो इस तरह से लगभग 13,000 वैकेंसीज आई हैं इस साल, चाहे वो स्केल वन की, स्केल टू की और स्केल थ्री की अगर हम काउंट करें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस बार कुछ कर दिखाने का। ये वैकेंसीज आप क्रमशः देख रहे हैं। अब बात करते हैं
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी ऑफिसर, जिन लोगों ने बीटेक आईटी या बीएससी आईटी से कर रखा है उनके लिए वैकेंसीज होती हैं। तो आप इन वीडियो को पॉज करें और अपने राज्य के अकॉर्डिंग या राज्य में जो बैंकें हैं उनके अकॉर्डिंग आप वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर ऑफिसर स्केल टू की। ये वैकेंसीज बेसिकली उन लोगों के लिए होती हैं जिन्हें 2 साल का किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या बैंकिंग में अनुभव होता है उनके लिए वैकेंसीज होती हैं, जिनकी उम्र 21 से 32 साल के बीच होती है। आप वीडियो को पॉज करेंगे तो कुल मिलाकर वैकेंसीज को आप ढंग से देख पाएंगे। अब देखते हैं स्केल थ्री की। स्केल थ्री की इस बार वैकेंसीज अपेक्षाकृत पिछले सालों की अपेक्षा कम आई हैं। कुछ जगह NR है जिनमें कि नॉट रिपोर्टेड वैकेंसीज, लेकिन आगामी समय में इन पर वैकेंसीज आ सकती हैं, क्योंकि बेसिकली अलॉटमेंट जो होगा आपका अगले साल ही होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2018 को। तो इस तरह से ये कुल वैकेंसीज स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और मल्टीपर्पज ऑफिसर्स की थी। हमारे इस विज्ञापन से रिलेटेड भी और भी वीडियोस को आप इससे पहले देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आने वाले समय में IBPS RRB से रिलेटेड हम वीडियोस को लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।